हेलो, हेलो। वालेकुम सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। भाई, हाँ भाई, सब अलहमदुल्ला। बताइए। ये एक बात पूछनी थी। बिजनौर में क्या पहले हदीस से पूछा है क्या? बिजनौर, अरे मालूम नहीं भाई। यहाँ पे एक हमारा पड़ोसी है, बरेलवी है, वो बोल रहा था कि वहाँ पे अहले हदीस लोग दिया जलाए थे कल रात में। फोटो भी उसने भेजी थी हमारे पास। क्या बात, सही है क्या? भाई सुनने में तो नहीं आया। यार नहीं, उसने फोटो भी भेजी है। के चेहरे पे उसके लिखा हुआ है फोटो पे कि वो एलएडीस है। थोड़े नहीं, अपना लिखा भी तो दिमाग नहीं। चला लिया करो भाई। नहीं, वो तो हमें पता है, उसे लिखा तो नहीं है। वो बरेलवी से बड़ा फासिक कोई है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, जब कोई फासिक तुम तक कोई बात को लेके आए तो उसको आगे पहुंचाने से पहले पूरी तहकीक कर लेनी चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 2459, कि जो जो गाली देता है वो फासिक होता है। तो बरेलवी तो पक्का फासिक है, ठीक हाँ, है। वो तो बात और बरेलवी अगर कह रहा है कि नहीं, अहले हदीस ने दिया जलाया, बत्ती जलाई, मोमबत्ती जलाई, तो उससे कह दो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुरान में सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हातु बुरहानकुम इनकुम तुम सादिकीन। अगर सच्चे हो तो सबूत पेश करो भाई, जाओ उसका पूरा इंटरव्यू लो, देखो। हाँ, उसका नहीं, लिबास से पता मैंने चल जाता है ना। तो मतलब हमने उससे कहा, रहे यार सबसे पहले अहले हदीस ने बताया कि वो सिर्फ है, तुम कह रहे हो कि कल लगाया है। तो एक बात मान पूछनी भी थी। लिया अगर किसी ने मेरे भाई अपने मोहल्ले वालों को देखा देखी, अगर उनका सपोर्ट करने के लिए या लोग उसके दुश्मन ना बन जाएं, उसने मतलब भाई वो तकिया करके अगर मेरे भाई जला भी दिया, तो किसी एक आदमी के जलाने से आप उसकी पूरी जमात को थोड़ी ना मेरे भाई कर सकते हो। सही बात है। अब जैसे शबे बारात वाली रात में पिछले साल, अब इस साल तो लॉकडाउन है, पिछले साल सन 2019 में जो बरेलवी लोग हैं वो रात को मतलब गाड़ी पे टिपलिंग कर रहे थे, रेसिंग लगा रहे थे, ठीक है, और पुलिस वालों को परेशान कर रहे थे। अब अगर क्या उनकी हरकत को देख के क्या हम ये कह दें कि ये जमात का कीदा है, कि हाँ ये बरेलवी जमात का कीदा है कि शबे बारात को रात को गाड़ियों से रेसिंग करो और खूब मतलब हुड़दंग मचाओ। नहीं, ये कुछ लोगों की गलती है। अब इसमें पूरी जमात को थोड़ी ना मेरे भाई शामिल कर देंगे। एक बात पूछनी थी। जैसे मतलब हम लोग जो रफाजान करके नमाज पढ़ते हैं, तो दादा हमारे जो है वो हनफी हैं। तो मतलब हम नमाज पढ़ाते हैं, दादा जो हमारी तकबीर कहते हैं, तो वो मतलब हनफी के तरीका का तकबीर कहते हैं। उससे कोई मतलब मकसद नहीं है। नमाज का जो बेसिक पोर्शन है वो होता है कयाम होता है, ठीक है, रुकू होता है, सजदा होता है, कायदा होता है, ये हनफी अहले हदीस सबका सेम है। अब जो इनमें जो तरीका ये है कि भाई कयाम में हम लोग नाफ के ऊपर हाथ बांधते हैं यानी कि सीने पे, और वो लोग नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं, वो हदीसों का इख्तलाफ है। वो ज़ईफ़ हदीस को भी अमल पे पकड़े हुए हैं, और हम लोग मेरे भाई जब सही हदीस आ जाती है तो ज़ईफ़ हदीस तो हमारे लिए उद्दत ही नहीं, ठीक है। अब रही बात मेरे भाई रफुल नहीं, दैन की, तो रफुल दैन तो नमाज में भाई वो भी एक बार कर रहे हैं ना, तो उनके मसलक में एक बार करना है, बाकी बार जो करेगा तो घोड़े वाली दुम वाला अमल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे वहाँ हमारे अल्लाह के नबी ने, तमाम सहाबा ने, 200 से ज्यादा सही हदीस से ज्यादा साबित है कि अल्लाह के नबी जब भी नमाज पढ़ते तो तकबीरे तहरीमा के वक्त अपने दोनों हाथों को उठा के रफुलदैन करते, उसके बाद जब जाते रुकू में तो भी ऐसा करते, और रुकू से उठते तो भी ऐसा करते। तो अगले साल ये रमजान में से केस हुआ था यहाँ, मतलब मौलाना समान से बहस हो गई थी दिमाग से। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम है कोई दिखाओ तो हम सही बुखारी लेके गए दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि यार ये बुक जो है नजदीकियों की है, फिर उन्होंने पढ़ा ही नहीं, दूर से ही वापस भेज दिया, और हम कम मुनाफिक मुनाफिक बनाने लगे। हेलो, हाँ भाई, फिर से बोलिए, क्या कह रहे थे आप। कह रहे हैं कि मतलब वैसे अगले साल हुआ था एक मौलाना से, यहीं से हमारा थोड़ा बहस हो गई थी रफादैन पे। उन्होंने कहा कि जब आपकी बुक है तो हमें दिखाओ, हम सही बुखारी लेके गए, उनको दिखाए, ये देखिए हदीस है। उन्होंने कहा यार ये बुक जो है नजदीकियों की है, उसको
इसको हम नहीं मानते, ये सब मतलब झूठी हदीस लिखे हैं ये फिर। बात ठीक है, जो जो मेरे भाई बुखारी शरीफ को कह दे कि ये नजदीकियों की किताब है और सारी हदीसें झूठी हैं, तो बस जी अब उसका ईमान का ठिकाना बस खुद ही समझ जाओ। ऐसे लोगों अच्छा के सामने हदीस पेश करना वो हदीस की तौहीन करना है, ठीक है? जी तो ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो, और अल्लाह ताला ने आपको दरोगा नहीं बना के भेजा है कि नहीं आप जी सबके ऊपर दरोगा बन जाएं और बस सबको जी एकदम सही रास्ते पे लाने के लिए आप दरोगा बन जाएं। नहीं, अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है सूरह कसस में कि ए नबी, आप भी उन लोगों को हिदायत नहीं दे सकते, क्योंकि जो हिदायत देता है वो सिर्फ अल्लाह देता है। हमारा काम क्या, हमारा काम है लोगों तक पैगाम को पहुंचाना, ठीक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 3461, कि जो मेरा पैगाम है वो लोगों तक पहुंचा दो अगरचे एक आयत क्यों ना आती हो। तो अपना काम है पहुंचाना बस, जबरदस्ती भैया उनको मनवाना नहीं है। क्यों नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं थी वो। हाँ, जबरदस्ती तो बिल्कुल ही मना है। अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकरा फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। तो हमको जो है मुनाफिक बोलने लगे तो मुनाफिक हो। अरे तो भाई ठीक है, जब उनके पास कोई जवाब ही नहीं है वो क्या कहेंगे, गाली देंगे, मुनाफिक कहेंगे, गद्दार कहेंगे, काफिर कहेंगे, गुस्ताख कहेंगे, उसके अलावा काम क्या है? हाँ, ये बात सही है।